हमारे को हरियाणा प्रदेश नंबरदार एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया जिसमें उनकी काफी मांगे हैं, गठबंधन सरकार ने पूरी करनी चाहिए। मेरा कहना यह कि नंबरदार एक बड़ा सम्मानित एवं जिम्मेदारी का पद है। नंबरदार सरकार व जनता के बीच की बड़ी अहम कड़ी है। नंबरदार की शनाखत से बड़े बड़े काम होते हैं। भाजपा व जसपा गठबंधन की सरकार नंबरदार के पद को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। एक ज्ञापन हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा ने भी दिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ग्रामीण चौकीदारों का वेतन लागू किया था और उनके मान सम्मान में और भी कई स्कीमें लागू करने का काम किया था। वर्तमान सरकार ग्रामीण चौकीदारों की लिखी हुई मांगों का मानने का काम करे, क्योंकि सरकार किसी के भी पास आधी रात को भी कोई सूचना देना चाहती है तो ग्रामीण चौकीदारों के माध्यम से देती है। जब गांव पर कोई संकट की घड़ी होती है, रात को पहरा देता है। हरियाणा ग्राम सफाई कर्मचारी सभा ने भी एक ज्ञापन दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री होते गांव की सफाई के लिए एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया, जिनको लगे 14-15 वर्ष हो गए। उन गरीब आदमियों को पक्का करने का काम सरकार करे। गांव में सरपंच जो बने हैं उन पर ई ट्रेंडिंग स्कीम जो आपने लागू की है, इससे समस्त हरियाणा के गांव का विकास रुका हुआ है। मैं खुद सरपंच रहा हूं, यह स्कीम गांव के विकास कार्यों में बड़ी बाधा है। स्पीकर साहब, मेरी आपके माध्यम से गठबंधन की सरकार से विनती है, इस स्कीम को खत्म कर दें। सरकारी कर्मचारी जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार ने चुनाव के समय रैलियों में ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, अब आप इसे लागू क्यों नहीं करते? मैं मांग करता हूं कि सरकार इसे लागू करने का काम करे। एक मैं आपके माध्यम से स्पीकर साहब सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे हल्का नोड़था में अंडरपास के लिए एक एस्टीमेट बनकर आया हुआ है, जो उप मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया था कि उसके पैसे हम जमा कराएंगे, उसे बनाने का काम भी पैसे जमा कराने में बैठे हुए सदस्य कई बार हमारी ओर कहते हैं कि ये आप भी कहते हो स्पीकर साहब कि ये सब कुछ आपके समय में हुआ था। कई बातें ऐसी होती हैं जो आप कहते हो आपके समय में हुआ था। मैं एक बात ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से कि हरियाणा में जो 10 साल से गरीब तबके के लोग चाहे स्कूलों में थे, चाहे हॉस्पिटलों में थे, चाहे कहीं भी लगे हुए थे, 2,000 रुपए में नौकरी करते थे, तो हमारे समय में स्पीकर सर तो हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन लगे हुए 10 साल के कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया था। आप मेरी दम है तो आप भी करके दिखाओ, हमारी रिस्क करते हो तो करो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, आपकी वर्तमान सरकार उन सारे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करे। स्पीकर महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और मुझे उम्मीद मुझे बच्चों को नौकरी मिली। और इलीगल कॉलोनिया का जो कानून बनाया, बड़ा ऐतिहासिक कानून है, इससे पहले कभी नहीं बनाया हरियाणा में, रेगुलर किया। मुझे उम्मीद है बाकी कॉलोनी भी सारी रेगुलर करेगी सरकार। आए थे उनकी सैलरी कम से कम 25,000 करोड़, पेंशन 1,000 सरपंच की है, इनकी कम से कम 5,000 करोड़। कई कई गाँव के रिप्रेजेंटेटिव है और सरपंच की पेंशन भी बढ़ाओ। विभा कौशिक के घर चला गया एक बार में, 15 साल से PhD की हुई लड़की नौकरी कर रही है DN कॉलेज में, सिर्फ 16,000 सैलरी मिल रही है। विशेष ध्यान करो उसको, सैलरी इनको सबको पूरी मिलनी चाहिए, डिमांड पूरी करो। और घग्गर लैंड का कंपनसेशन जो था, जो अध्यक्ष महोदय मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि आज प्रदेश का युवा कितना बदहाल और बेहाल हो गया है। कहीं CET के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हर युवा को CET में बैठने का मौका मिलना चाहिए एग्जाम में, आज वो बहुत ही बुरी हालत में है। दूसरा, मैं सरकार कहती है कि बेरोजगारी घटी है, मैंने सरकार से क्वेश्चन लगाया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उसमें ब्यौरा दिया है 2015 से लेकर 2023 तक लगभग 14 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं रोजगार कार्यालय के अंदर, पंजीकृत हुआ है, और पीछे देते दो दो आंकड़े दे रखे, एक तरफ देते 5 लाख। तो बेरोजगारी जो नौकरी दी है 2015 से और अब तक, वो 97,000 जो HSC के थ्रू दी है, तो ये बाकी के कहां बच के 13 लाख तो इनके डेटा के हिसाब से इन्होंने जो रिकॉर्ड दिया उसके हिसाब से। तो युवाओं की तरफ ध्यान दे, आज युवा नशे में बदहाल है, उसका बुरा हाल है, इसकी तरफ सरकार को कहना चाहिए। खाली ये बातें कहने से
कि हमने बेरोजगारी कम की है, यह उनका दिया हुआ आंकड़ा है जिसमें यह साफ साबित होता है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसके अलावा मैं उपाध्यक्ष महोदय सरकार से बताना चाहता हूं, आज सरकार का हर कार्य इंप्लीमेंट करने में लिपिक वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज वो किस प्रकार से हताश और निराश बैठा है, सब उसकी वजह, उसको उसका हक देने का काम करें। और जो आउटसोर्सिस के और एचकेरान में जो आपने सरकार ने लगा रखे हैं, उनको एक एक साल से वेतन नहीं मिल रहा, उनके ऊपर भी दया करें, उनको वेतन देने का काम करें। आशा वर्कर आज पूरे प्रदर्शन कर रही हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बैठी हुई हैं, उनको उनका हक देने का काम करें। पिछले 10 से 15 साल के कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उनको किसी की नहीं सुध बुध नहीं ले रही, उनके लिए विचार करें, सरकार कोई पॉलिसी बनाने का काम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आईआईटी जो आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे पिछले 10 साल से, उनको तो हटाने का नोटिस दे दिया, जो 10 से 15 से उनके बेचारे और ओवर हो चुके, रोज उनका एज जा चुके, कहां जाएंगे। और नई जो भर्ती 2019 से पेंडिंग है, उनको आगे आप लगा नहीं रहे, उनके ऊपर आप विचार करें, ये मेरी सरकार से निवेदन है। और ग्राउंडमैन जो सरकार ने प्लेग्राउंड गांव में स्टेडियम में लगाए थे, उनको 5,000 में लगाए थे, वो भी तनख्वाह उनको 1.5 साल से नहीं दी जा रही। और डी ग्रुप के जो स्पोर्ट्स कोटे के बेचारे सेक्टर 5 में बैठे हैं, उनकी हालत बेहाल है, भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार उनको करके उनको एम्प्लॉय देने का काम करे। और ओपीएस जब बाकी राज्य दे रहे हैं तो सरकार देने में क्यों खर्च कर रही है, इनके साथ क्यों अन्याय कर रही कर्मचारियों के साथ, ये मेरा निवेदन है। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं, बीमा कंपनियों की लूट, जो आप प्रदेश में किसान के साथ जितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, बीमा कंपनियों ने उनका प्रीमियम काट लिया और उनको 1.5 साल से कोई मुआवजा देने का काम नहीं। सरकार किसान हिसार में, जींद में, सरसा में, रोहतक में सड़कों में बैठा हुआ, ऐसा हाल है, जो प्रीमियम बढ़ता था 22,000-24,000 रुपए उनके खाते में डाली। जो बीमा कंपनियों की मनमानी है, सरकार सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करने का काम। विष्णुलाल सैनी जी, किसान जो है वो किसानी के लिए लड़ रहा है, जब वो आता है अपने आंदोलन करता है तो लाठीचार्ज होता है। सरपंच जब आते हैं, सरपंचा की कड़ू गाड़ के दिखवा लियो, जी लीली हुई पाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने सरपंच है किसी की कमर। इम्प्लाई आता है ओपीएस के लिए, उस पर लाठीचार्ज। तो जिस तरह से बहुत कर्मचारी और व्यापारी मायूस है, कर्मचारी सड़कों पर है, कर्मचारी आशा वर्कर, देखो जी आप कितने लोग हमारे डेपुटेशन हमारे से मिलते हैं जी। मैं आपको नर्ज करूं कि सरपंच एसोसिएशन मिली, नंबरदार मिले, चौकीदार मिले, और जी जमादारा की एसोसिएशन मिली, आंगनवाड़ी और ये आशा वर्कर्स मिले। और इसमें मैं ये टेबल करूंगा जी, ये 7-8 जो मेमोरेंडम आए हैं हमारे पास, सर्व कर्मचारी संघ का आया जी। सर्व कर्मचारी संघ का कोई मतलब हमें उनके जो वो उनको परमानेंट किया जाए और उनको ओपीएस दी जाए, इस तरह के हैं। फिर डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का है जी, पे स्ट्रक्चर और प्रमोशन की इनकी मांग है। फिर इसके बाद क्लेरिकल का दिया जी, क्लेरिकल की मांग जो है ना जी पुरानी है यार, कि इनको 35,400 का ग्रेड दिया जाए, 42 दिन हड़ताल पर है और इनको धोखा मिला जी। और इसके बाद जी आउटसोर्स पार्ट 2 इम्प्लाइज सोसाइटी ने भी दिया है, इसके भी कर्मचारियों को जो है ना जी वो मिनिमम वेजेस दिया जाए, मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ आप देखो जी वित्तीय संस्था ठेका कर्मचारी संघ हरियाणा, इन्होंने भी दिया है जी, इनके भी 7-8 हजार। धन्यवाद। फिर इसके स्पीकर साहब, क्या आप टेबल करने की अर्थ करते, कोई बात नहीं। आयुष्मान मित्रा है, धन्यवाद। आयुष्मान मित्रा को आयुष्मान मित्रा को जोगीराम सिंह को मिनिमम वेजेस दिया जाए जी, ये मैं कर दू टेबल, टेबल कर दू जी। सरकारी कर्मचारियों जो क्लेरिकल एसोसिएशन की मांग है कि बेसिक आय के अंदर वृद्धि की जो मांग है, इसको मैं मानता हूं तर्कसंगत तरीके से उनको न्याय देने की आवश्यकता है। जो बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी हैं, उसके जो सही मायने में उसमें ऐसे 15,000 कर्मचारी हैं जिनकी आय 21,000 से ज्यादा, उन्हें ईएसआई का लाभ नहीं मिलता, उनको मेडिकल बेनिफिट से जोड़ने की जरूरत है। और जो वाटर वर्क्स के पंप ऑपरेटर हैं, जिनको 2012 में जिनको आपने भर्ती किया था, उनका आपने कहा था कि 25,500 की उनको आय मिलनी चाहिए, उसको भी लागू करने का काम करें। धन्यवाद। देखना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने दिया, इस नारे को तो आप बंद ही कर दें, खत्म ही कर दें,
क्योंकि जो हमारी बेटियां आज आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं या हमारी टीचर्स हैं, सर अभी तो मैं शुरू अभी किया, अभी टाइम मेरा खत्म नहीं हुआ सर, तो आप प्रॉपर नौकरी पर अपनी उनकी जो वेतन है उनको बढ़ा के दिया जाए और उनको पक्का किया जाए। आप कोई चीज लिख के दे, जयवीर जी डिप्टी स्पीकर सर, एक बड़े ही जी डिप्टी स्पीकर सर, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2007 बोल रहे हैं, मेंबर बोल रहे हैं, आप मेंबर बोल रहे हैं, रेणुवाला जी बैकअप प्लीज, आप जारी रखिए, आपका टाइम चल रहा है, उनकी बात को रिकॉर्ड में दी जा रही। डिप्टी स्पीकर सर, साथ में बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी हमारी सरकार में भर्ती हुए थे और आज उनकी हालात ऐसी है, ना तो समय पर उनकी तनख्वाह मिलती है, 8100 रुपये दिए जाया करते, आज उसका भी कोई ठिकाना नहीं और ना ही उनके पास कोई साधन है। अगर कोई सफाई कर्मचारी मर भी जाता है, सरकार की तरफ से कोई उसको राहत नहीं मिलती, ऐसे हालात पर बल्कि 17 साल हो गए, रेगुलर करने की बात करनी चाहिए सरकार ने और सफाई कर्मचारी को बढ़ाने की बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। दूसरा है हरियाणा पार्ट टाइम स्वीपर यूनियन, ये भी 15-16 साल से है और इनको बेचारों को 6000 भी तनख्वाह नहीं मिलती, इसकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम, भर्ती तो नहीं कर रहे, कम से कम इनको ही रेगुलर कर दे ताकि उनके परिवारों का गुजारा हो सके। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, मेरे खरकोदे हल्के में एक सड़क है सोनीपत, तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐतिहासिक काम करके हरियाणा के लाखों कर्मचारियों अधिकारियों को न्याय देने का काम किया है। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि पटौदी के 2-3 ऐसी सड़क है जो बहुत ज्यादा, ऐसे में अनुसूचित जाति के परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की जो राशि दी जाती है, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उसको 2,00,000 रुपए बढ़ाकर किए जाएं। और ऐसे ही जो भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना है उसके अंतर्गत आने वाली 80,000 रुपए की राशि जो है उसको कम से कम बढ़ाकर 1,25,000 रुपया किया जाना चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा एडवोकेट विशेषकर जो हमारे नए वकील आते हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए। आज के समय में इंसान बैठे हैं वो पिछले 2 महीने से एक मांग कर रहे हैं कि जो ये क्षतिपूर्ति पोर्टल, अनेकों विधायकों ने इस बात को उठाया, मैं भी आपके माध्यम से कहती हूँ कि 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, गांव के लोग इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के बिल्कुल अनजान है। तो सरकार ने SDM के द्वारा जो भी गिरदावरी रिपोर्ट सरकार को भेजी है उनको सरसों की फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं एक मांग और रखूंगी बहुत ज्यादा जरूर।